बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत मास्टर ट्रेनर्स का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ आयोजन। गुना के समस्त विकास खंडों से मास्टर ट्रेनर को बुलाया गया था, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या बचाओ, साथ ही कन्या भ्रूण हत्या, लिंग जांच अपराधों के बारे में बताया गया। साथ ही इसमें क्या कार्रवाई होती है इसके बारे में भी बताया गया। इस कार्यशाला के बाद ये मास्टर ट्रेनर अपने अपने क्षेत्रों में अन्य लोगों को ट्रेनिंग देंगे। और भी चिकित्सीय अनुवांशिक शक्ति विशेषज्ञ दृष्टि रोग विशेषज्ञ पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय या कोई व्यक्ति जिसका श्रम का पर आनुवांशिक परामर्श के आनुवांशिक प्रयोगशाला के लिए ऐसे कार्य कर रहे निलंबन और दो सिद्धि होने पर परिषद की मंजी से प्रथम अपराध की दिशा में 5 वर्ष के लिए तथा अपराध की प्रणाली रूप में स्थायी रूप से हटा दिया जाएगा। चाहे वे ऐसा अवैधने की आशंका करता है, इस परिषद नियम के प्रावधान या किसी नियम का उल्लंघन करता है, वह 3 वर्ष तक के कारावास से 10,000 रुपये तक के दंड से दंडित किया जाएगा। कोई व्यक्ति जो धारा 4 की उपधारा 2 में उपबंधों को छोड़कर किसी गर्भवती महिला का लिंग चयन या प्रसूतिपूर्व परीक्षण तकनीक के प्रयोग के लिए किसी आनुवांशिक परामर्श केंद्र भला भला जो भी जितने भी हैं, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें जो है सभी विकास खंड से ट्रेनर्स बुलाए गए, आजीविका मिशन से, शिक्षा विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से, महिला बाल विकास विभाग से। तो यहाँ ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। PCPNDT एक्ट के बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है कि PCPNDT एक्ट के प्रावधान क्या है और भ्रूण हत्या में क्या अपराध है, लिंग चयन में क्या अपराध है, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए महिला बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग के क्या दायित्व में क्या, ये जानकारी पूरी जा रही है। जब ये मास्टर ट्रेनर्स तैयार हो जाएंगे तो ये फील्ड में जाकर ट्रेनिंग देंगे, ANM को, आंगनबाड़ी का कर्ता को, आशा को, उसकी शाला प्रबंधन समितियों को, टीचर्स को, ये लोग ब्लॉक स्तर पर ट्रेनिंग देंगे। उनको तैयार किया जा रहा है मास्टर ट्रेनर्स के।